हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ अच्छी नस्ल, जो कि हमारे यहाँ पिछले 8-10 सालों से है और बहुत गजब की है, और उसने बहुत सारे टूर्नामेंट भी जिताए हैं हमें। तो देखते हैं, पहले मैं उसे पकड़ के दिखाऊँ आपको, आप भी पहचान सकते हो इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो कमेंट में ज़रूर बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, जैसा कि पहले मैं उसको पकड़ लूँ, देखता हूँ वो हाथ में आता है नहीं आता। ये बहुत ही साथी शख्स है वो। सो दोस्तों, वैसे तो आ गया है हाथ में, ये हम अपने कल्चर की बात कर रहे थे। सो अभी हाल ही में इसने एक बच्चा दिया है, जो कि लगभग इसकी और इसकी मादिन के कलर पे गया है पूरा, और इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये पिछले 9 साल से हमारे यहाँ देख सकते हैं, और बहुत ही मोटा ताज़ा कबूतर है, और आज भी जब ये उड़ने में आता है तो आसमान चीर देता है, क्योंकि बहुत घंटे घंटे उड़ता है। और मैं इसको कई बार बेच भी चुका हूँ। सो ये बार बार रिटर्न आ जाता है हमारे यहाँ, और घर का है, अब देख सकते हैं आप झाड़ पर भी आ रहा है इस वक्त, पंख इसके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी इसमें बहुत ताकत है। और दोस्तों, ये मैंने सन 2016 में 29 फरवरी को पकड़ा था ये, तो आप लगा सकते हैं टाइम कितना हो गया इसको। और ये जब भी आया था, जब भी अडल्ट था फुल, तो ये उससे भी पुराना कबूतर होगा बहुत, जिसका भी होगा। तो हमारे यहाँ ये करीब 8-9 साल से है, और काबली कबूतर है, लेकिन इसकी चाहत जो है आसपास के कबूतरों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइम पर उड़ता है तो पूरा इलाके के लोग इसे देखते हैं, और ये बहुत देर में आता है, बहुत ऊपर उड़ता है और हमारी छत पर उड़ता है। तो इसका एक पट्ठा भी निकला है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारे कल्सरे के जो भी पट्ठे निकलते हैं वो अच्छी उड़ान के निकलते हैं, और ये जो पट्ठा निकला है ये भी इसी के पट्ठा है, इसके भी दिखा देता हूँ आपको रंग वगैरह। सो इसकी मादिन जो है हमारे कल्सरे की, वो ब्लैक है, जिस वजह से इसका कलर थोड़ा ऐसा आया है, और बहुत अच्छा पट्ठा है, देख सकते हो आप। और अभी मतलब लगभग 15 दिन लगेंगे इसको पूरा सेट होने में, और ये बाहर आ जाएगा, और 15 दिन बाद ये भी अच्छी उड़ान मारेगा। सो दोस्तों, ये बहुत गजब का पट्ठा है, और इसी के साथ है हमारा दिलवर, जिसको हम ट्रेनिंग पर रख रखा है। उसको इसीलिए ट्रेनिंग पर रखा है क्योंकि वो कल्सरे का पट्ठा है और उड़ेगा भी अच्छा, और कल्सरा भी हमारी बात मानता है, तो वो भी मैं भी अच्छी तरह से ट्रेंड हूँ हमारे साथ। सो आप भी ऐसे ही अच्छे अच्छे कबूतरों को ट्रेंड करें, और कबूतरों को हाथ पे हिलाना सीखना है आपको, तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जो जो भी दिलवर की वीडियो बन रही है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।